हे एवरीवन, पालक से तो आपने कई सारी वैरायटीज़ खाई होंगी और चिकन का तो क्या ही बोलो, काफ़ी सारे वैरायटीज़ इसके आपके खाए होंगे। बट आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर आप उसको एक बार भी खा लेंगे ना, तो आप सारे वैरायटीज़ भूल जाएंगे। यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। बिना देरी के चलिए जान लेते हैं रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैंने फ्रेश पालक को लेकर अच्छे से इसको 2 से 3 बार पानी के साथ वॉश करके इसको इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके साइड में रख लिया है। और उसके बाद 2 टमाटर को भी मैंने फाइनली चॉप करके रख लिया है, और साथ ही 2 प्याज को भी मैंने फाइनली चॉप करके रख लिया है, और 2 हरी मिर्च को भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। उसके बाद स्टोव पर मैंने पैन को रखे, इसमें 1 बड़े चम्मच जितने तेल को डाल लिया है, और उसमें मैंने 5 से 6 लौंग, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े को, और 3 हरी छोटी इलायची और 4 काली मिर्च को भी मैंने इसमें डाल लिया है। और उसके बाद जो प्याज और हरी मिर्च को हमने कट करके रखा है उसको इसमें डाल दीजिए, और प्याज का कलर गोल्डन होने तक हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसी तरह से हिलाते हुए सॉट करना है। और उसके बाद इसमें हमें चिकन को डालना होगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन है, तो इस चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें थोड़े से 1 चम्मच जितने अदरक लहसुन के पेस्ट और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से नमक और हल्दी को डालकर मैरिनेट करके 10 मिनट पहले साइड में रख लिया था। बस इसकी क्लिप थोड़ा सा मिस हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उस मैरिनेशन के प्रोसेसर को आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो चिकन को डालकर मैंने इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक इसको रोस्ट कर लिया था। और उसके बाद 1 छोटे चम्मच जितने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जितने धनिया पाउडर को मैंने इसमें डाल लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नमक अगर आपने कम डाला है तो और थोड़ा सा नमक इसमें डाल लीजिए। और उसके बाद सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से हिलाते हुए रोस्ट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। और हम चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिएगा, जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देखिए, इसको मैंने लिड के साथ कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए पका लिया था, बस 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरह से थोड़ी देर के लिए पका लेने के बाद जो टमाटर को हमने फाइनली चॉप करके रखा था उसको भी इसमें डाल दीजिए, और सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद अभी हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट होने तक हमें इसको पकाना होगा, जिसके लिए मैंने फिर से इस पर लिड लगा लिया है। लिड लगाकर बीच बीच में हिलाते हुए मैंने इसको पका लिया है थोड़ी देर के लिए बिना पानी के। तो इस तरह से टमाटर सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें बस थोड़े से पानी को आप डाल लीजिए, जैसे कि मैंने 1 छोटे गिलास जितने पानी को इसमें डाल लिया है। हमारे पालक से भी पानी निकलेगा, जिसकी वजह से हमने बस चिकन कुक होने के लिए जितने पानी की ज़रूरत हमें पड़ेगी उतने पानी को यहाँ पर डाला है। और उसके बाद इसको लिड के साथ कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो 50% तक पक चुका है। और उसके बाद जो पालक को हमने चॉप करके रखा था उसको इसमें डाल दीजिए। तो इस तरह से सारे पालक को इसमें डाल लेने के बाद अभी धीरे से सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। बस इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद अभी फिर से इस पर लिड लगा लीजिए। लिड लगाकर इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमें पकने देना होगा, तब तक कि हमारा पालक जो है वो इस तरह से बढ़िया से पक ना जाए और हमारी करी की कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी भी ना हो जाए। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप थोड़े से हरे धनिए को भी ऊपर से डाल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। इस तरह से पक जाने के बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटी के साथ सर्व करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मज़ेदार होगा। आप भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और आपको इसका स्वाद कैसे लगा आपका फीडबैक आपके कमेंट्स के ज़रिए हमसे शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को एक छोटा सा लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करके और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।